मधुबनी जिले में बकरीद पर्व धूमधाम से मनाई गई। मुसलमानों ने मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद अपने देश और दुनिया के लिए अमन चैन और भलाई की दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वहीं राहिका प्रखंड अंतर्गत नाजिरपुर मस्जिद में मौलाना इरफान इस्लामी और ईदगाह में मौलाना उमर फारूक ने बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद कहा कि अल्लाह फरमाता है कि हम जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं उसका ना तो मांस और ना ही बलि के जानवरों का खून अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि आपकी नीयत कैसी है, आपका ईमान कैसा है, वह अल्लाह देखता है। और जानवर को जगह कुर्बानी करते हैं जमीन पर, उसका खून गिरने से पहले आपके नीयत को अल्लाह कबूल कर लेता है। यह एक सच्चाई है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान को मांस या रक्त की जरूरत नहीं है, वह अपने सेवकों की अधीनता पसंद करता है। साथ ही कहा कि ईश्वर हमें सत्य को पढ़ने, समझने, उसे हृदय से स्वीकार करने, उस पर अमल करने और फिर उसे आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करे। मौलाना साहब, हम लोग बकरीद क्यों मनाते हैं, क्या खासियत है? तुम्हारे जानवर का न गोश्त न खून अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ नहीं पहुँचता है। इस आयत के पस मंजर में हम देखें, पहले जो है कुफार मुशरिकीन ये क्या करते थे कि जब कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी करने के बाद जो है वो उनके खून को ले जा करके वो बूतों के ऊपर में और इस तरीके से काबा के दीवारों पर जा करके मल देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तुम्हारे खून की ज़रूरत है, न तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे तकवा की ज़रूरत है। तो इस कुर्बानी करने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदे के अंदर तकवा को देखना है कि बंदे के अंदर में अल्लाह बंदे के अंदर में कितना तकवा है। और तकवा का मतलब होता है कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें और इस्लाम के कवानीन के ऊपर में अमल करें। और जो कुर्बानी हम करते हैं वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के लिए अदा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल करते हैं। तो इस तरीके से कुर्बानी करने का जो मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को तकवा का देखना होता है कि बंदे के अंदर में कितना तकवा है। इसीलिए हमें और तमाम मुसलमान भाइयों को जरूर चाहिए कि अपने तकवा के अंदर, अपने दिलों के अंदर तकवा को जरूर पैदा करें।